अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मायरा अमजद, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 1 का यूनिट नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे, जिसका टॉपिक है ज्योमेट्री। और आज हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज कुछ शेप्स के बारे में। तो चलते हैं बुक के पेज नंबर 110 की तरफ। जी तो व्यूअर्स, पेज नंबर 110 पर देखते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहे हैं, राइट द नेम्स ऑफ शेप्स फॉर दीज डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट्स बनी हुई हैं, हमने उनकी शेप्स यहाँ पर राइट डाउन करनी है। जैसे आपके सामने एक बटन है, आप देख रहे हैं इसकी शेप है स्क्वायर। इसके बाद आपके पास एक ऑरेंज का स्लाइस है, आप देख सकते हैं इसकी शेप जो है वो सर्कल है। आपका डोर है, आप जानते हैं डोर हमारा रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इसके अलावा आपके सामने वाटरमेलन है और आप देख रहे हैं कि ये ओवल शेप में है। और एक स्केल है जिसकी शेप ट्रायंगल है। तो बस आपने यहाँ पर राइट डाउन करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एंड कलर अ पिक्चर ऑफ योर ओन चॉइस सिमिलर टू द फॉलोइंग शेप्स। आपने अपनी मर्जी की कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है इन शेप से। ठीक है व्यूअर्स, अब चलते हैं पेज नंबर 111 की तरफ, जहाँ पे हमने मैच करना है ऑब्जेक्ट्स को उनकी सिमिलर शेप्स से। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका ब्लैक बोर्ड है और आप देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप का है। फिर आपके पास 5 रुपी का एक कॉइन है जो कि सर्कल इन शेप है। पिज़्ज़ा का स्लाइस है जो कि ट्राइंगुलर शेप का है। उसके बाद आपके पास एक वॉल क्लॉक है, बट ये वॉल क्लॉक स्क्वायर इन शेप है। फिर आपके पास एक बॉल है जिसकी शेप ओवल है। तो बस आपने इनको मैच कर देना है। नाउ नेम द फॉलोइंग शेप्स एंड राइट द नंबर्स ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर्स ऑफ ईच शेप। आपने क्या करना है, इन शेप्स को देखना है और आपने इनके साइड्स और कॉर्नर्स के नाम बताने हैं या इनको काउंट डाउन करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्वायर के अंदर हमारे पास 4 कॉर्नर्स होते हैं और वो सब इक्वल होते हैं। सर्कल के अंदर हमारे पास कोई कॉर्नर नहीं होता और कोई साइड नहीं होती। रेक्टेंगल में हमारे पास 2 साइड्स एंड 2 कॉर्नर्स होते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स होते हैं। इसी तरह ओवल में हमारे पास कोई साइड और कोई कॉर्नर नहीं होता। तो बस आपने यहाँ पर इन चीज़ों का नाम लिखना है। जैसे कि सर्कल के लिए आप लिखेंगे वॉल क्लॉक, उसकी कोई साइड नहीं है और कोई कॉर्नर नहीं है। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।